बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स हैं जो देखने में अजीब लगते हैं। किसी का हस्बैंड बुजुर्ग दिखाई देता है तो किसी की वाइफ हाइट में हस्बैंड से ज्यादा दिखाई देती है। मसलन जूही चावला जितनी गॉर्जियस नजर आती हैं, उनके हस्बैंड उम्र में कुछ ज्यादा ही बड़े दिखाई देते हैं। आज जूही अपना 50वां बर्थडे 13 नवंबर सेलिब्रेट कर रही है। उन्होंने 1997 में साधारण सी शक्ल सूरत वाले इंडिया के नामी बिजनेसमैन जय मेहता को अपना हमसफर बनाया था। जय जूही से लगभग 7 साल बड़े हैं। आज आपको इस पैकेज में बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जूही ने 1986 में फिल्म सल्तनत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने कयामत से कयामत तक, 1988 चांदनी, 1989 प्रतिबंध, 1990 बोल राधा बोल, 1992 डर, 1993 अंदाज, 1994 इश्क, 1997 सहित कई फिल्मों में काम किया है। ट्यूलिप जोशी ने कैप्टन विनोद नायर से शादी की। विनोद की हाइट ट्यूलिप से छोटी है, साथ ही दोनों के लुक्स में भी काफी अंतर है। दोनों करीब 4 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे। हालांकि कहा जाता है कि बाद में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इनकी शादी के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। अमिताभ बच्चन और जया बॉलीवुड के सबसे कमिटेड कपल में से एक हैं। उम्र के साथ जहां अमिताभ स्मार्ट दिखने लगे हैं, वहीं जया बूढ़ी होती जा रही हैं। दोनों की हाइट में भी काफी अंतर है। दोनों ने 1973 में शादी की थी। डायरेक्टर कोरियोग्राफर फराह खान ने 2004 में फिल्म एडिटर और डायरेक्टर शिरीष कुंदर से शादी की थी। शिरीष फराह से करीब 8 साल छोटे हैं। अच्छा दिखने के लिए फराह कई किलो वजन भी कम कर चुकी हैं। बावजूद इसके ये कपल कुछ अजीब ही लगता है। श्रीदेवी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो 54 की उम्र में भी यंग एंड ब्यूटीफुल नजर आती हैं। वहीं उनके हस्बैंड प्रोड्यूसर बोनी कपूर ज्यादा बुजुर्ग नजर आते हैं। दोनों ने 1996 में शादी की थी। इमरान और अवंतिका एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन जब बात अपीयरेंस की आती है तो इनकी जोड़ी थोड़ी आड़ लगती है। दोनों की हाइट में काफी अंतर है, साथ ही इमरान अवंतिका से थोड़े यंग लगते हैं। दोनों ने 2011 में शादी की थी। फरहान अख्तर ने खुद से 7 साल बड़ी अधुना से शादी की थी। अधुना पेशे से हेयर स्टाइलिस्ट हैं और अक्सर बेहद डिफरेंट लुक और अजीब हेयर स्टाइल में ही नजर आती हैं। दोनों ने 2000 में शादी की थी। हालांकि दोनों 2016 में अलग हो चुके हैं।